गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू दैट कंडक्टर, देन अ फोर्स is experienced by that conductor and this force causes motion of that conductor. Students, imagine another situation that when a current carrying conductor is moving in a strong magnetic field or a magnetic field is changing around a current carrying conductor, then what happens? Students, this was first of all studied by English physicist Michael Faraday. In 1831, he have found a breakthrough that when a current carrying conductor is moving in a magnetic field, then electric current is induced. That is known as electromagnetic induction. So we can define as the generation of electricity by the help of moving magnet is known as electromagnetic induction. Ya aap is tarah se keh sakte hain, the process of generation of electricity with the help of magnet is known as electromagnetic induction. Students, this electromagnetic induction is due to by the changing of magnetic field around a current carrying conductor, or a current carrying conductor is moving in a magnetic field. दो तरह से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, या तो उस कंडक्टर को किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख करके आप उस कंडक्टर को मूव करिए, देन इलेक्ट्रिक करंट विल इंड्यूस इन दैट कंडक्टर, या फिर आप उस कंडक्टर को स्टेशनरी रख करके उसके अराउंड मैग्नेट को मूव करा करके, मींस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड बेटर ऑफ दिस इंसिडेंट वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. फॉर दिस एक्टिविटी वी टेक a solenoid. Students, you know that the arrangement of number of turns of insulated copper wire on a hollow cylindrical object is known as solenoid. Students, इस activity के लिए हम एक solenoid लेते हैं और इस solenoid को एक galvanometer से connect करते हैं. Galvanometer is an instrument which detect the presence of electric current. Students, आपने सुना ammeter is an instrument which detect the amount of current or presence of current. And galvanometer is also. Galvanometer एक ऐसा instrument होता है जो current के बहुत छोटे से magnitude को भी आसानी से easily detect कर सकता है. So that is galvanometer. तो इस एक्टिविटी में हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए हम यहां पर उस स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनोमीटर 10^-3 मीन्स 1 mA तक के करंट को भी मीजर कर सकता है, मीन्स 1 एम्पियर के 1000 पार्ट को भी आसानी से ये मीजर कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लिया. नाउ वी टेक अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के हाफ पोर्शन को मैंने दिखाया है. स्टूडेंट्स, केवल नॉर्थ पोल को मैंने दिखाया है. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव
carry this north pole of the bar magnet towards the solenoid. जब हम इस north pole को solenoid के पास ले जाते हैं student, then you will observe that galvanometer में एक needle होती है जिसका point बिल्कुल center में होता है, क्योंकि इस galvanometer में zero center में पाया जाता है. तो यहाँ पर एक needle होती है जो बिल्कुल मिडिल में होती है, मींस जीरो पर होती है, और इसके दोनों तरफ यहां पर नंबर्स होते हैं जो करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं. जैसे ही आप इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सोलेनाइड के पास ले जाते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व दैट अ मोमेंटरली डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा. इट मीन्स कि इस सोलेनाइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ. जैसे ही नॉर्थ पोल को आप इसके पास ले गए, इसके एंड के पास ले गए, इस सोलेनाइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ, जिसको इस गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट किया. कैसे डिटेक्ट किया? बाई द शोइंग ऑफ डिफ्लेक्शन. इसने डिफ्लेक्शन शो किया, मीन्स इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, करंट उत्पन्न हुआ. फिर जब आप इस नॉर्थ पोल को इस एंड के पास रख देते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं, देन यू विल नॉट ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. तब आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. इट मींस वो जो नीडल है वो अगेन आकर के जीरो पर रुक जाएगी, वहां पर मिडिल में आकर के रुक जाएगी. और जैसे ही आप इस नॉर्थ पोल को सोलेनाइड से दूर ले जाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि अगेन एक बार फिर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा. और ये डिफ्लेक्शन फिर से ये बताएगा कि इस सोलेनाइड के अंदर एक बार फिर से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ. स्टूडेंट, दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट by the moving of magnet, by the movement of magnet is known as electromagnetic induction. तो यहाँ पे आपने देखा magnet को जब हम पास ले गए, यहाँ पर deflection हुआ, it means यहाँ पर electromagnetic induction हुआ. फिर जैसे ही north pole को stationary कर दिया, इसके पास रख दिया, electromagnetic induction नहीं हुआ, means इसके अंदर current induce नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा यहाँ पर कोई deflection नहीं हुआ. फिर जैसे ही नॉर्थ पोल को आप यहां से हटाते हैं, दूर ले जाते हैं, अगेन एक बार इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, जो ये शो करता है कि इस जो है सोलेनाइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ. स्टूडेंट्स, यहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो फिनोमिना, जो प्रोसेस देख रहे हैं, बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉजेस. यहां पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, जब आप पास ला रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ डिफ्लेक्शन के द्वारा, इसको आपने ऑब्जर्व किया. फिर जब आपने स्टेशनरी कर दिया, इसको रोक दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है. फिर जैसे ही आप नॉर्थ पोल को यहां से हटाते हैं, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना के द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि इस बार फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी इसके अराउंड, वो एक बार फिर से रिमूव हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है. तो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो प्रोसेस होती है, दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, तब उस समय इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉयल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होती है. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इन विच दिस मैग्नेट विल रिप्लेस बाई अ करंट कैरिंग क्वाइल. इस मैग्नेट को हम एक करंट कैरिंग क्वाइल से क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे और देखेंगे कि उस करंट कैरिंग कॉइल की हेल्प से एक दूसरे कॉइल के अंदर किस तरह से करंट इंड्यूस होता है। लेट अस सी, दिस इज अ कॉइल फर्स्ट, and this is coil second. Students, this first coil is connected with battery and key, and second coil is connected with galvanometer. Coil first and coil second. This one is positive end, this one is negative end. Students, this coil first is also known as primary coil and coil second is also known as secondary coil. Now perform the same activity. यहाँ पर पहली जो कॉइल है इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और जब इस बैटरी के द्वारा हम इस कॉइल फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर स्टूडेंट्स हमने पीछे पढ़ा कि किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे इस कॉइल फर्स्ट के अंदर इस बैटरी के टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और ये कॉइल फर्स्ट यानी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में है तो जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कॉइल सेकेंड के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। स्टूडेंट्स उस समय अचानक से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। की को ऑन करने से पहले इसमें करंट फ्लो कराने से पहले यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी लेकिन जैसे की को ऑन किया जाता है यहाँ पर इस कॉइल फर्स्ट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जिसकी वजह से इस कॉइल सेकेंड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सडनली इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स उसके जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है, उसमें चेंज प्राप्त होता है, वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस होता है दैट इज ऑब्जर्व बाय द गैल्वेनोमीटर बाय शोइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। तो गैल्वेनोमीटर उसको डिफ्लेक्शन को मीजर कर लेता है। फिर जब हम कंटिन्यू इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं स्टूडेंट्स हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, मीन्स इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता। क्या रीजन है? रीजन इसका यही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अब जो बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, कॉन्स्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं मिल रहा। There is no change of magnetic field around the coil second. Okay? तो जिसकी वजह से magnetic field change नहीं होती है और जब magnetic field में कोई change नहीं मिलता तो इस secondary coil के अंदर electromagnetic induction नहीं होता, means electric current induce नहीं होता। Once again, जैसे ही हम key को off करते हैं, key को बंद करते हैं, current का जो flow है वो रुक जाता है, इसके around जो बनी हुई magnetic field है वो रिमूव हो जाती है। तो जैसे ही करंट इसके रिमूव हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हट जाने की वजह से इसके कांटेक्ट में जो सेकेंडरी कॉइल है उसके पास से भी बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है और अचानक से सडनली फिर यहाँ पर एक बार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मिलता है। पहली केस में मैक्सिमम हुआ था, फिर कंटिन्यू जब करंट को फ्लो कराया गया तो सेम रह गया, उस समय भी इंडक्शन नहीं हुआ और जैसे ही की को ऑफ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाती है तो फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मिलता है क्योंकि मैक्सिमम से अब मिनिमम हो जाती है, जीरो हो जाती है,
तो मैग्नेटिक फील्ड में अगेन चेंज मिलता है, जिसकी वजह से एक बार फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, जिसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और ये ऑब्जर्वेशन इस रिफ्लेक्शन के द्वारा शो होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक प्राइमरी कॉइल के द्वारा हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन करा सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। सो फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ करंट कैरिंग कॉइल, इट इज मस्ट, क्या मस्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करने के लिए हमको जो है करंट कैरिंग कॉइल को या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराना है या मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो है चेंज करना है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। सो वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रोड्यूस बाय द मूविंग ऑफ by the moving of conductor in a magnetic field, and second by changing the magnetic field, around the conductor. स्टूडेंट्स, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करने के लिए या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दो केसेस हो सकते हैं। द फर्स्ट केस इज बाय द मूविंग ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा के इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर सेकेंड केस इज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, या फिर किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक करंट, द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर मोशन इज परपेंडिकुलर आर एट राइट एंगल, जब हम कंडक्टर को राइट एंगल पर रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस समय उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इन दो विधियों से, दो मेथड से, या आप कह सकते हैं दो केसेस से क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू मूव द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो इट इज मोर कन्वीनियंट, ये बहुत ही आसान केस है कि हम किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव करा करके उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से इंड्यूस कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट केस इज वेरी कॉमन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो स्टूडेंट, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल आर कंडक्टर इज प्लेस एट राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी अरेंज फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड इन सच अ मैनर दैट
these fingers are perpendicular to each other. If four finger shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of force or motion, then middle finger will show the direction of induced electric current. Fleming right hand rule क्या है? Fleming right hand rule के according अगर हम first three fingers को perpendicular रखते हैं, जिसमें ये four finger magnetic field की direction को show करता है, thumb force या motion की direction को show करता है, तब ये middle finger आपके induced electric current की direction को show करेगा. This is Fleming's left hand, sorry, right hand rule. Students, Fleming's right hand rule electric current की direction यानी induced electric current की direction को find out करने के लिए use किया जाता है. Previous lecture में, previous section में आपने देखा कि Fleming's left hand rule जो होता है वो force या motion की direction को find out करने के लिए use किया जाता है, जिसका प्रयोग हमने electric motor में किया था. बट Fleming's राइट हैंड रूल इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर करेंगे. इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर किया जाएगा. स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. सो Fleming's लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर मोशन. और ये पूछा जाता है व्हाट इज द application of Fleming's right hand rule. So the application of Fleming's right hand rule, that it is used in to find out the direction of induced electric current. तो याद रखिएगा दोनों के बीच में difference है, इस तरह से आप इनके बीच में difference को याद कर सकते हैं. Students, Fleming's right hand rule को हम apply करके किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को या इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट अस अप्लाई दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड हियर नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, दिस इज अ कंडक्टर and on which a force is acting downward. जिस पर एक force है जो downward direction पर work कर रहा है. So you have to find out the direction of induced electric current in this conductor. So students, आपको induced electric current की direction को पता करने के लिए Fleming's right hand rule को use करना होगा. According to this rule, four finger shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of force or motion, then middle finger will show the direction of induced electric current. So, in fingers को right hand की हम यहाँ पर apply करते हैं. देखिए, magnetic field की direction north to south होती है, तो हमने four finger को north to south place कर दिया. Thumb ये force की direction को show करता है, force नीचे की तरफ है, तो हम thumb को नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे. और हम देख रहे हैं इस तरह से जो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन है ये आपकी तरफ है, स्क्रीन की तरफ है, आउटवर्ड द ब्लैक बोर्ड है या आउटवर्ड द स्क्रीन. ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कहां मिल रही है? आउटवर्ड, आउटवर्ड ऑफ स्क्रीन या ब्लैक बोर्ड. दिस इज द आंसर. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप Fleming's राइट हैंड रूल को आसानी से अप्लाई कर सकते. अगर मैं यहीं पर कहूं कि इस पर लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ ना हो करके ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तब इसमें इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को आपको फाइंड आउट करना है. सो अगेन Fleming's राइट हैंड रूल, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, थंब फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स ऊपर लग रहा है, थंब को हमने ऊपर की तरफ दिखाया है, तो मिडिल फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, मिडिल फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, तो उस समय डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पर आपको फिर से आंसर क्या लिखना होगा? इनवर्ड डायरेक्शन या इनवर्ड टू द ब्लैक बोर्ड आर स्क्रीन. स्टूडेंट, इस तरह से इजिली आप भी Fleming's
राइट हैंड रूल को अप्लाई करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को आसानी से पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जान सकते हैं। ओके, थैंक यू।